हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। इन टुडे केमिस्ट्री क्लास वी विल कंटिन्यू इक्विलिब्रियम। एंड एज यू नो दैट इन दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द चैप्टर और यू कैन से 60%। इन टुडे क्लास वी विल सी द application of equilibrium constant. How can we determine by saying the value of equilibrium constant that the reaction is completed or it cannot be completed, it can be in the equilibrium, so many things. And considering the application of equilibrium constant, let summarize the important feature of the equilibrium constant. पहले देख लेते हैं कि equilibrium constant के important features क्या हैं। पहला feature ये कहता है कि expression for the equilibrium constant is the applicable only for the concentration of reactant and product have attained the constant value at the equilibrium state. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात तब आएगी जबकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर हो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ओके। तो पहले तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जब तक बराबर नहीं होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दोनों की वैल्यू जब तक बराबर नहीं होगी तब तक हम जो है कि किसी भी तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात नहीं कर पाएंगे और एप्लीकेशन भी नहीं जान पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इक्विलिब्रियम जो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। क्या है जो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है कंसंट्रेशन एट द इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन एट द इक्विलिब्रियम। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए। दूसरी बात ये हो गई कि ये वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इन दोनों के इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती, इन दोनों के इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी बात है, नेक्स्ट हमारी बात है तीसरी बात, कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या है,
Equilibrium constant is temperature dependent. Kc is temperature dependent. ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं होती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज होगा. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट हैविंग वन यूनिक वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस इक्वेशन एट ए गिवन टेम्परेचर. किसी भी गिवन टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए केसी की. इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर रिएक्शन टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है. क्योंकि हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और कंसंट्रेशन यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो मोलर कंसंट्रेशन है जिसे एक्टिव मास के नाम से जानते हैं. तो ये तीन बातें हो गई कि एक पहली बात तो हमने बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात हम तब करेंगे जब इक्विलिब्रियम स्टेट होगी और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर होगा. दूसरी बात ये कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है. और तीसरी बात ये कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. क्योंकि पहले ही हमने बताया कि जो जब तक रिएक्शन का कंसंट्रेशन दोनों साइड रिएक्टेंट प्रोडक्ट का बराबर नहीं होगा तब तक हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात नहीं करेंगे. तो ऐसे केस में जो है कि किसी की वैल्यू एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर वैल्यू होती है. ठीक है, कोई वैल्यू ये नहीं है कि जो एक टेम्परेचर पे होगी वो दूसरे टेम्परेचर पे होगी, ऐसा कुछ नहीं है. और द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिवर्स रिएक्शन is equal to the inverse of the equilibrium constant for the forward reaction. कहने का क्या मतलब है जरा देखिए. इसके कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि रिएक्शन हो रहा है, हमारा रिएक्शन है सपोज PCl5 gives PCl3 plus Cl2 गिव्स PCl3 पर वन सेकेंड PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2. ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया और इसके लिए वैल्यू जो है Kc हो गई. अब बैकवर्ड रिएक्शन की अगर बात करते हैं PCl2 प्लस PCl3 गिव्स PCl5. ठीक है, तो इसके लिए जो केसी की वैल्यू होगी केसी डैश की वैल्यू 1/Kc होगी, 1/Kc होगी. ठीक है, 1/ क्या होगी केसी होगी. आई बात समझे. तो ये चार पॉइंट ऐसे थे जो कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये हमारे दिमाग में रहने चाहिए. ठीक है, पांचवा पॉइंट ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर अ रिएक्शन इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए करस्पॉन्डिंग रिएक्शन. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है किसी एक रिएक्शन के लिए वो रिलेटेड होती है किससे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द करिस्पॉन्डिंग रिएक्शन. करिस्पॉन्डिंग जो समकक्ष रिएक्शंस हैं उनके उनसे रिलेटेड होते हैं.
whose equation is obtained by multiplying or dividing the equation for the original reaction by a small integer. ठीक है, तो वहाँ पे जो k की वैल्यू होती है, कहने का क्या मतलब होता है, कहने का मतलब ये है हमारे पास कि सपोज एक ये रिएक्शन है, ठीक है, जैसे हमारे पास N2+3H2 gives 2NH3। अब इसी चीज को हम 1/2 से डिवाइड कर दें, 3/2H2 और यहाँ पे NH3। तो अब इसके लिए जो KC की वैल्यू आएगी और इसके लिए जो KC की वैल्यू होगी, अगर हम दोनों में रिलेशन देखें यहाँ पे KC डैश में, तो पहले हम KC इक्वल टू लिखेंगे NH3 होल स्क्वायर बाय N2H2 3। अब अगर KC डैश की वैल्यू लिखेंगे तो NH3 अपॉन N2 1/2 and H2 3/2। अब इन दोनों वैल्यू को अगर कंपेयर करें तो क्या होगा कि इधर भी स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दें, ठीक है, इधर इधर हम स्क्वायर कर दें अगर, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो KC स्क्वायर बराबर KC हो जाएगा, स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, और जब ये वैल्यू बराबर हो जाएगी तो हमारा जो KC डैश स्क्वायर इक्वल टू KC हो जाएगा, फिर यहाँ से KC डैश इक्वल टू √KC हो जाएगा। यही कहने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर ए रिएक्शन रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द करिस्पोंडिंग रिएक्शन whose equation is obtained by multiplying or dividing the equation for the original reaction by a small integer. ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं कि क्या application है equilibrium constant का। अभी तो हमने जो 5 points discuss किए उनका कहने का मतलब है कि application जानने से पहले ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं किसी भी क्लोज कंटेनर में होने वाले रिवर्सिबल रिएक्शन में, तब तो ठीक है, तभी हम एप्लीकेशन कंसीडर कर पाएंगे। चलिए अब कंसीडर करते हैं, मान लीजिए 5 points किसी भी रिएक्शन के लिए है, तो इसमें हम क्या क्या कर पाएंगे अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता है, तो हम क्या क्या चीज़ें जान पाएंगे। पहला तो प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को देख करके हम लोग ये पता कर पाते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरी चीज की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे रिएक्शन है कि नहीं, और इक्विलिब्रियम पे क्या कंसंट्रेशन है उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए 1 by 1 देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है, क्या एप्लीकेशन है। तो हम पहला यहाँ पे देखेंगे प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन किस एक्सटेंट तक हो सकता है इस चीज़ को हम जानेंगे, ठीक है। तो दो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक रिएक्शन के लिए, ये बताता है कि किस लेवल तक रिएक्शन हो रहा है।
But it is important to note that an equilibrium constant does not give any information about the rate at which the equilibrium is reached. कहने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ये हमें पता नहीं लगता है कि किस रेट से इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, उस समय रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, किस रेट से जो है इक्विलिब्रियम अटेंड हो गई थी। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ केसी और केपी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये हम लोग जानते हैं। केपी केसी के रिलेशन में भी हमने देखा और केसी का किसी भी रिएक्शन के लिए देखा कि जो केसी की वैल्यू है, सपोज कि अगर हम कोई यहाँ पे रिएक्शन लेते हैं, सपोज कि हमने यहाँ पे कोई रिएक्शन लिया, सपोज हमने लिया H2+I2 gives 2HI, हमने ये ले लिया। ठीक है, अब इस रिएक्शन के बारे में हमें ये देखना है कि जो केसी की वैल्यू है, केसी की वैल्यू हमें स्क्वायर अगर यहाँ पे देखेंगे चाहिए H2+I2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये केसी की वैल्यू इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HI स्क्वायर, और यही केसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H2+I2 है, यहाँ I2 है। ठीक है, ये चीज हमें पता लगती है। इससे हमें क्या पता लग जाता है, इससे पता लगता है कि अगर हाई वैल्यू केसी की है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हाई होगा, अगर केसी की वैल्यू हाई है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा, और अगर केसी की वैल्यू लो है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लो होगा। अब एक जनरलाइजेशन को हम देख लेते हैं, उसी बेस पे हम लोग कंपोजिशन के बेस पे सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। अगर केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 10 टू पावर 3 है तो प्रोडक्ट जो है प्रीडोमिनेंट करेगा ओवर रिएक्टेंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इससे ये पता लगता है कि रिएक्शन अब कंप्लीट होने वाला है। अगर केसी की वैल्यू 10 टू पावर 3 से ज़्यादा है तो यानी प्रोडक्ट बहुत अधिक मात्रा में बना है, यानी प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बना है यानी रिएक्टेंट कंज्यूम होने को है, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट होने को है। जैसे कि अगर 500 केल्विन टेम्परेचर पे H2O2 को रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो आती है 2.4 × 10^47 आती है, और इसी तरह से H2Cl2 का रिएक्शन कराते हैं 300 पे तो केसी की वैल्यू जो है 4 × 10^31 आती है, और H2Br2 का रिएक्शन अगर कराते हैं 2HBr300 पे तो भी बहुत आती है 5.4 × 10^18। ये वैल्यू ये सजेस्ट करती हैं कि रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है, वन डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाकर के कंप्लीट होने वाला है। लेकिन अगर जो है कि केसी की वैल्यू 10^-3 से कम हुई, 10^-3 से कम हुई तो इसका मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा है प्रोडक्ट कम है, इसका मतलब कि वो रिएक्शन ही कंप्लीट होने वाला नहीं है, बहुत रेयरली वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन है कि इफ 10^-3 से कम है
तो रिएक्शन के कंप्लीट होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। जैसे कि अगर हम बात करें H2O को, अगर हम बना रहे हैं 5-1 डिकम्पोजिशन कर रहे हैं H2O का, H2 और O2 में 500 केल्विन पे, तो उसके लिए जो Kc की वैल्यू आती है वो 4.1 × 10⁻⁸ होती है, 4.1 × 10⁻⁸ होती है। तो क्या कहेंगे, रिएक्शन कंप्लीट होगा? कभी नहीं होगा। इसी तरह से N2O2 के द्वारा 2NO बनाते हैं 298 केल्विन पे, तो Kc की वैल्यू 4.8 × 10⁻³ आती है। तो अब इसमें तो नहीं कह सकते कि रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है, रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है, ऐसा हम लोग कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि अगर इन केस केसी की वैल्यू रेंज में है, अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ और 10⁻³ टू 10⁻³ के बीच में है, अगर इन दोनों रेंज के बीच में 10⁻³ और 10⁻³ में, तो रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो अप्रिसिएबल होगा। तब उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जैसे H2O2 H2I2 को अगर बनाते हैं तो H2HI बनता है और Kc की वैल्यू 57 ही आती है 700 पे। उसी तरह से N2O4 का अगर डिकम्पोजिशन करते हैं NO2 बनता है, तो वहाँ पे भी Kc की वैल्यू लो आती है, लगभग 4.64 × 10⁻³ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आती है। तो ये भी ना तो ज़्यादा छोटा है ना ही ज़्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब वहाँ पे इक्विलिब्रियम मिक्सचर हमें मिल जाता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, अगर हम एक इलस्ट्रेशन को देख लें यहाँ पे, कि यहाँ पे नेग्लिजिबल है और यहाँ पे जो है एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू है। ठीक है, तो नेग्लिजिबल वाले केस में अगर हम आते हैं तो रिएक्शन हार्डली, किसी की वैल्यू अगर नेग्लिजिबल होगी तो रिएक्शन हार्डली प्रोसीड करेगा। अगर 10⁻³ है, -3 और 10⁻³ के बीच में है, तो यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम है और एक्सट्रीमली हाई वैल्यू आ रही है, तो मीन्स रिएक्शन इज़ गोइंग टू कंप्लीट। ओके, तो वहाँ पे हमारा रिएक्शन क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। तो ये एक जनरल पॉइंट को ध्यान में रख लीजिएगा, ये एरो में बताता है जहाँ पे नेग्लिजिबल हो Kc की वैल्यू, तो वो उस केस में जो है कि उस केस में रिएक्शन तो प्रोसीड नहीं करेगा। लेकिन अगर वो 10⁻³ से 10⁻⁵ में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लगभग जो है बराबर है। लेकिन अगर एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू आ रही, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, तो उस केस में रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है। उस केस में रिएक्शन क्या है, कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अब ये हम लोगों ने जान लिया कि मैग्नीट्यूड से किस तरह डिसाइड करेंगे। एक हमको क्राइटेरिया मिल गई कि अगर 10⁻³ और -3 और 10⁻³ के बीच की वैल्यू है, तब तो हमें कंसिडरेबल अमाउंट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मिलेगा और वहाँ इक्विलिब्रियम को हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अगर नेग्लिजिबल है तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, और Kc की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा आ गई तब तो कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। तो सपोज हमने एक रिएक्शन लिया, वहाँ पे AA+BB+C gives CC and +DD, और इसके लिए हमने QC की वैल्यू लिख ली, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो किसी भी टेम्परेचर पे है। तो ऐसे केस में जो ओरिजिनल
वैल्यू होगी, जैसे क्यूसी की वैल्यू किसी गिवन टेम्परेचर पे है और एक किसी केसी की वैल्यू किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे निकाली गई है सेम रिएक्शन के लिए, तो दोनों में से अगर क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा है केसी से तो रिएक्शन जो है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अगर क्यूसी की वैल्यू लेस देन केसी है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन कहाँ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर इसके अपोजिट अगर क्यूसी और केसी की वैल्यू बराबर है तो उस केस में जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ऑलरेडी क्या है, अगर क्यूसी और केसी की वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन होगा, हम लोगों ने डायरेक्शन भी जान लिया फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन, इसमें अभी और भी बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए बचा है, कल हम लोग फिर मिलेंगे, थैंक यू, बाय।